हाँ तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद शक्ल के साथ, और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सा देखने वाले हैं, और वो है हमारा SIH। SIH है क्या? ठीक है, ये सब देखने वाले हैं। SIH में करते क्या है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कहते हैं इसको, और 2022 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी सब कुछ देखने वाले हैं, कब ख़त्म होगा, कैसे होगा, और क्या क्या करते हैं इसमें, और क्यों ज़रूरी है, सब देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च करा SIH और कुछ रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, SIH.gov.in। इस पे काम होगा सारा का सारा, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और फाइनली सारा कुछ सम अप भी कर देंगे एंड में। ठीक है, और अगर तुम हैकाथॉन्स वगैरह देते आए हो या तुम्हें पता है पहले, तो फिर तो भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू इट। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं टेक इट। सो चलो, तो यार ये है हमारा SIH.government.in। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, देन आता है कि हमें देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों रिलेट करता है। ठीक है, और 2022 SIH जो है वो शुरू हो चुका है, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना काम। हाँ, तो अगर हम SIH.government.in SIH 2022 PS लिखेंगे, यानी प्रॉब्लम सेट्स कह सकते हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ यार पहले ब्रीफ दूँ तुम्हें इस चीज़ का, तो ये भी चीज़ यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है ना। वट इज SIH? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इज अ नेशन वाइड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ प्लेटफॉर्म टू सॉल्व सम ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम वी फेस इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, तो सरकार ने मिलकर नौकरी का एक नया तरीका ढूंढा है। देखो, स्टार्टअप जब भी होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, सही बात है। तो हम प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर रहे हैं, और हर साल की तरह इस साल भी होता है। तो द फर्स्ट फोर एडिशन पर 2017, 2018, 2019, 2020 सबने पार्टिसिपेट किया। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि सरकारी काम कह सकते हैं, एंड आगे जाके बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम थिंकिंग इन योर माइंड स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और कम्पीट अमंग वन वन अनदर एज अ टीम, ऑफर टेक्निकल सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड गेट चांस टू विन प्राइज वर्थ अप टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ तक का चांस मिलेगा जीतने तक का, और तुम्हारी टीम अप करना पड़ेगा तुम्हें अपने दोस्तों के साथ। ये प्रोवाइड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स टू द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम, अच्छा ये जो है ये PSUs होते हैं, तुम PSU को जानते हो अगर तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, है ना। आई गेस पब्लिक सर्विस या ऐसी पब्लिक सेक्टर का कुछ होता है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रॉब्लम्स ला के देती हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, और हम उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं। और थीम जो है, नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग, नो आइडिया इज टू स्मॉल, ये सारी चीज़ें हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी वगैरह लिखा है। मैं सोच रहा था एक यहाँ पे, हाँ ये रहा यार, ये रहा, किसी को ढूंढ रहा था असल में, कहाँ गया, खुल के लिखा पेज पे चला गया, स्टार्टिंग पे जाके देखते हैं, अब खुला ना। तो ये बग हो गया इनका एक, अबाउट 2022 एंड देन प्रोसेस फ्लो देखेंगे, देन देखेंगे थीम क्या है, और देन देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। आई गेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का तो वही लिंक होने वाला है, तो उसको रिमूव कर देते हैं, ये भी वही लिंक है, एंड देन ये भी सेम चीज़ खुल गई हमारी। तो यहाँ से शुरू है हमारा, ठीक है सब कुछ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 चल रहा है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एडिशन चल रहा है, यानी दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड गेट देम सॉल्व बाय स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यहाँ मोदी जी का भी वही है रोल देखने को मिलता है। ओवरव्यू, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 जो एक नेशनल वाइज इनिशिएटिव है हर बार की तरह, टू प्रोवाइड स्टूडेंट प्लेटफॉर्म जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक है, और वो कैन पार्टिसिपेट SIH जूनियर्स, जो कि बच्चे हैं, और हम जैसे स्टूडेंट्स। ठीक है, और वाई ज्वाइन SIH 2022? तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए, मतलब मिल जाएंगे तो बढ़िया है ना। और हम अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, उन चीज़ों को आइडियाज सबमिट करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन एंड विजिबिलिटी, तो नेशनल रिकॉग्नाइज हो रहा है ना, और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन होना चाहिए, तो बहुत कुछ होगा यार। मूवमेंट, इनोवेटिव मूवमेंट, इनोवेशन मूवमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोसेस फ्लो हमारा ये रहेगा। अच्छा, प्रोसेस फ्लो भी यहीं पे दे रखा है इन्होंने, अच्छा ठीक ठीक तो ये हमारा प्रोसेस फ्लो हो जाएगा। और SIH 2022 सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एडिशन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिशंस बाय सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, देन आता है सबमिशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर। अब मतलब जैसे तुम्हें GSOC का मैंने तुम्हें बताया था, वीडियो दे दूंगा मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन में, और उसमें बोला था कि जो कंपनीज होती हैं वो GSOC में प्रॉब्लम्स वगैरह लाती हैं, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है और हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे, यहाँ पर प्रॉब्लम्स PSU या कंपनीज वगैरह लाएंगी, और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, है ना, एंड SIH पोर्टल ब्लॉकिंग पब्लिशिंग वगैरह वो चलेगी। स्टेप 3, स्टेप 4 होगा कॉलेज के बच्चे जो हैं वो कंडक्ट करेंगे इंटरनल हैकाथॉन कैंपस में, और कैंपस में से टीम मतलब छटती जाएगी। ठीक है, कि हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा, तो फाइनलाइज टोटल बेस्ट 10 टीम्स 5 वेटेड लिस्ट में होती हैं इंटरनल हैकाथॉन में। ठीक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और टीम लीडर ऑफ द सेलेक्टेड टीम टू बी रजिस्टर्ड SIH पोर्टल टू सबमिट आइडियाज, सबमिशन ऑफ आइडियाज बाय सेलेक्टेड टीम अगेंस्ट PSS बाय कॉलेज SPOC। SPOC है क्या? बहुत बड़ा नाम आ गया, मैं स्टूडेंट स्टूडेंट बोल रहा हूँ बार बार, लेट्स चेक इट।
सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या यही होता है? कॉलेज ऐसी नहीं खुल गई, अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज अपॉइंटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ठीक, कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उनके बारे में बात चल रही थी, ठीक है। फ्रॉम द एस आई एस फाइनल इवेल्यूएशन और सबमिट आइडिया, रिजल्ट एनालिसिस होगा स्टेप सिक्स में, ठीक। फिर बात आती है हमारे पास थीम की, थीम क्या है इस बार का, नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो आइडिया इज टू स्मॉल, कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती और कोई आइडिया छोटा आइडिया नहीं होता, ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। तो थीम देख लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, तो टूरिज्म है, रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी है, देन ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटीज है, देन मिसलेनियस भी आता है, देन स्मार्ट एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे जो हैं, स्मार्ट ऑटोमेशन, फिटनेस, स्पोर्ट्स, सब देखने को मिलता है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी का हमें कुछ नहीं देना। हम आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। अभी पूरा फ्लो भी दिखाऊंगा तुम्हें, ये लॉगिन रजिस्टर कर देना, अप्लाई करोगे तो अपने टीम बना के करना है, और टोटल स्टेटमेंट जो है वो 92 आ चुकी हैं और 443 सॉफ्टवेयर की आ चुके हैं, यानी ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें इनमें से कोई एक चूज़ करना है, उस पर अपना हैकाथॉन में उससे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। थीम जो अभी अभी मैंने बताई थी वो सब, ये सारी थीम है, स्मार्ट एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल टूरिज्म, देन स्मार्ट व्हीकल्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक ड्रोन, एनर्जी, मिसलेनियस, मेडटेक, बायोटेक, हेल्थ टेक और हेरिटेज कल्चर, फिटनेस वगैरह वगैरह, बहुत सब कैटेगरीज क्या क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। अभी मैं जो है सॉरी फॉर हार्डवेयर वालों को, ठीक है, सॉफ्टवेयर ज़्यादा ही बेटर लगता है, मतलब क्या है कि हार्डवेयर वो एड्रोनो मेरे को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो देखो सॉफ्टवेयर पे सर्च करा, ऑर्गेनाइजेशन ये है कि इनमें से कोई भी आप स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइज, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना प्रॉब्लम सेट दे रखा है, ठीक है, और ये सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यू कैन चूज एनी वन स्पेसिफिक, जैसे इसरो का आपने चेक करा, ठीक है, मान लो आपको इसरो में कुछ मिल जाए, आपको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, क्योंकि हमने इसरो की प्रॉब्लम देखी है, ठीक है। डोमेन बकेट सारी मिसलेनियस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया जो है इसरो का ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर में काम है, थीम मैंने सारी ले ली, ठीक है। 10 एंट्रीज हैं, यानी इन्होंने 10 प्रॉब्लम्स डाली हमारे लिए, और मिसलेनियस और डिजास्टर मैनेजमेंट पे ही है बेसिकली, इन दो पे ही मिलेगा, डोमेन बकेट है और हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर है, ठीक है, कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है, क्यों है। लेट्स सी हम कौन सा देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टाइटल देख लेते हैं, मतलब अगर तुम्हें जैसे रन टाइम रिमोट वीडियो क्वालिटी असाइनमेंट, ठीक है, और कोई वीडियो क्वालिटी या वीडियो मेटा डेटा जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन, हेरिटेज वगैरह, डीप लर्निंग बेस्ड साइक्लोन इंटेंसिटी, देन प्रोसेसिंग, मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेज, ठीक है। अगर तुम्हें जैसे कुछ भी करना है, ठीक है, मान लो कि ये मल्टी स्पेस यही वाला देख लेते, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बनाया सॉफ्टवेयर मिसलेनियस, कुछ डेटा सेट का लिंक नहीं दे रखा है फिलहाल, कि जस्ट हमें हेज से बचाना है, ठीक है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, सारी लेता हूँ, ऑल देखता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब आ जाएगा, चलो आ गई, ये देखो ये सारी है। और थीम अगर चूज़ करें हम कुछ भी, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। स्मार्ट एजुकेशन हो गया, जैसे कि मैं, या साइबर सिक्योरिटी किसी को करनी हो तो वो करना, अभी हम फिलहाल स्मार्ट एजुकेशन देखते हैं, तो ऊपर चेंज होता रहता है और उसी हिसाब से डेटा सेट आता है, जैसे बल्कि ईमेल एंड एसएमएस सर्विस, ये आ गया हमारे पास स्मार्ट एजुकेशन का, और एआईसीटीई जो है ये हमसे काम करवाना चाह रही है थ्रू स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ठीक है। तो इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास कि बैकग्राउंड क्या, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज मेजर फैक्टर फॉर डेवलपमेंट इन कंट्री, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, और ये अभी प्रॉब्लम बता रही है, हमें बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है और हमें करना क्या है, ठीक है। तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री थ्रू मीडिया एंड न्यूज़पेपर, तो इन दिस मॉडर्न जनरेशन ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अ मोबाइल फोन, ठीक है, सही बात है, सबके पास मोबाइल होता है और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो एक बहुत बड़ा रोल करता है हमारे कंट्री में। वी कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू एसएमएस या ईमेल, दिस विल सेव टाइम एंड मनी एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर विद लार्ज कम्युनिटी विद इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, कम समय में ज्यादा लोगों को ईमेल या एसएमएस भेजना है। ऑल्सो सच सर्विस कैन बी यूज टू रिपीटेडली सेंड एसएमएस इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, समरी या बल्क एसएमएस और ईमेल सर्विस विच कैन कन्वे इन्फॉर्मेशन टू लार्ज ऑडियंस इन शॉर्ट इंटरवल, सही बात है। इट कैन इंक्लूड अलर्ट या वार्निंग एंड न्यूज, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन लगी तो सरकार के मैसेज आ जाते हैं हमें, है ना, कि ये जरूरी है ये कर लेना, और वो गवर्नमेंट के मैसेजेस होते हैं और करोड़ों लोगों को जाते हैं, ठीक है, आई डोंट नो एक बार में जाते हैं या रुक रुक के कैसे सिस्टम चलता है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ पढ़ने में कुछ मिस्टेक वगैरह कर दूँ तो सॉरी फॉर दैट, तुम समझते हो, है ना। वी नीड अ मोबाइल वेब ऐप दैट विल अलाउ सेंडिंग बल्क ईमेल, या ये चीज़ देख रहे हो, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव देख लो, असल में इन्होंने इंडेंट नहीं कर रखा, देखो बैकग्राउंड के सामने आ गया, ऑब्जेक्टिव भी यहीं पर लिखा हुआ है। वी नीड अ मोबाइल वेब ऐप दैट विल अलाउ सेंडिंग बल्क ईमेल एंड एसएमएस अराउंड 1 करोड़ यूजर इन 1 go थ्रू SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करना है या कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज करके, इट विल बी कंपैटिबल फॉर दैट, ऑल द यूजर शुड गेट अ नोटिफिकेशन ऑल्सो इन द मोबाइल। अच्छा, हमें क्या करना है यार, एक ऐप बनानी है या मोबाइल ऐप, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई से भी बनाओ जिससे बल्क ईमेल या एसएमएस डाल सको, ठीक है, अब कोई प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए, और ऑल्सो इन द मोबाइल थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगानी है। अच्छा, इन एडिशन फीचर्स लाइक लॉग जनरेशन, नोटिफिकेशन ऑफ फेलियर एसएमएस, या ईमेल डिलीवरी, शेड्यूलिंग ऑफ एसएमएस, ईमेल शेड्यूलर, और यूजर क्रिएशन
एंड विद डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रीड एंड अनरीड स्टेटस प्रोविजन ऑफ इंपोर्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट. हाँ अगर कुछ स्पेसिफिक लोग हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो एक्सेल वगैरह से कस्टमाइज करना ईमेल को विद नेम एंड द रिसीवर शुड बी इंक्लूडेड. ठीक है ये काम हमारे एआईसीटी करवा रहे सॉफ्टवेयर और स्मार्ट एजुकेशन से रिलेट करता है. तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ना है तुम्हें और शुरू हो जाना है काम को. ठीक है ये हमारा प्रॉब्लम का नंबर हो जाएगा DR703. और इसी तरीके से अभी तो मैंने जस्ट आपको बल्क ईमेल SMS सर्विस का एग्जांपल दिया. ठीक है कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम यही करो और ये इसलिए दिया क्योंकि पहले भी दिखा मेरे को. ठीक है और कोई कारण नहीं है. तुम देखो सर्च करो जो तुम्हारी जो तुम टीम में काम करोगे ना तुम्हें टेक्नोलॉजी पता है तुम्हें टीम तुम्हारा आइडिया बढ़िया है. ठीक है अभी आपको दिखाते हैं यार एक चीज़ अलग से दिखाता हूँ. यहाँ पे ये सब हमने पढ़ लिया फास्ट इवेंट्स के चलते. ठीक है ज़्यादा क्लियर होगा. अभी हाल ही में 2020 का देखते हैं सॉफ्टवेयर. ठीक है यहाँ से हमें समझना आएगा. देखो अभी जब भी मैंने तुम्हें जैसे मैंने तुम्हें उसका भी बताया था जीसो का भी बताया था तो सेम केस था. मैंने बोला था कि यहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वगैरह मतलब उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जो नए फीचर्स ऐड करने होते हैं कंपनी में तो वो लिख के देते हैं तुम्हें अलग से लगाने होते हैं. ठीक है फिलहाल इसमें भी ऐसा ही करना है जैसे स्मार्ट इंडिया अगर हम हैकाथॉन 2022 देखेंगे 2020 देखेंगे तो वहाँ से हमें समझ में आएगा क्या चक्कर है. तो यूनियन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ठीक है इंपैक्ट हुआ इतने लोगों को इतनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी इस बार टोटल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी ज़्यादा बढ़ गई आई है ना ज़्यादा लोगों ने अच्छी बात है. ठीक है देखो सॉफ्टवेयर की 443 है बहुत सही. ठीक है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी ज़्यादा बढ़ गई है और ग्रैंड फिनाले में ठीक है ये टीम्स थी और टीम पार्टिसिपेशन इन ग्रैंड फिनाले 80+ टीम ने पार्टिसिपेट किया था. यंगस्टर की भी फिनाले हुई थी तो 88 के लोग थे और यहाँ पे 1.3 के लोग थे. रेशियो ऑफ मेल फीमेल जो था वो काफ़ी सही था. ऐसे तो बस दिखा रहे हैं और विनर जो है SIH 2022 के यहाँ पे लिस्ट है. ठीक है अभी देखते हैं और सॉफ्टवेयर नोडल सेंटर के यहाँ पे लिस्ट है. व्हाट लीडर्स इज क्या कहते हैं देखो क्या चक्कर चला ये तुमने सुनी होगी न्यूज़ वगैरह. स्मार्ट इंडिया चल रहा है हैकाथॉन हो रही है ग्रैंड फिनाले ये देखो. ठीक है विनर्स ऑफ 2020 के ये हैं देन ग्रैंड फिनाले सॉफ्टवेयर एडिशन. ठीक है थीम हमारी उस टाइम की थी ये सब सस्टेनेबल एनवायरमेंट टूरिज्म जनरली वही सब होती है बस उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो जाती हैं और ये सारे सपोर्ट करते हैं तो उसकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं. चलते हैं वहाँ पे हम जितने वाली टीम के पास कहाँ भी वो ये है क्लिक द व्यू लिस्ट पे देखते हैं. तो ये आ गया हमारा PDF जहाँ पे इसको करना पड़ेगा जूम. तो ये कंपनी का नाम PS कोड टीम का नाम ड्रॉइड मेकर. ठीक है तुम्हारी टीम भी होगी तो टीम का जैसे लीडर ये है तो इसका नाम आ गया. तुम जैसे तुम लीडर हो अपनी टीम के तो तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं मान के चलो. ठीक है वैसे तो देखने में तो बहुत सारे बच्चे लग रहे हैं मगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पढ़ोगे तो मिल जाएगा तुम्हें ऐसी बात नहीं है. ये कंडीशंस क्या क्या हैं इतने बंदे और टीचर भी साथ में होता है. ठीक है तो किसी टीचर से तुम्हारी अच्छी बनती होगी तो फिर तुम्हें पता है ना कैसे फ़ायदा उठाना मतलब फ़ायदा क्या उन्हीं का भी नाम होगा और तुम्हारे कॉलेज का सबका नाम होगा. तो कॉलेज का नाम आ गया और सिटी एंड स्टेट ये सीरियल नंबर 1 पे हैं तो ये सब सेलेक्टेड बंदे थे. ठीक है दिल्ली का सीन मेरे को पता नहीं भाई क्या चक्कर है. देखो दिल्ली से भी हैं बहुत सारे ही लोग हैं महाराजा अग्रसेन है ये सारी टीम थी. ये भी देख लेते नोडल सेंटर समथिंग वेंट रॉन्ग आफ्टर समथिंग हटाओ यार. ठीक है चलो हटाओ इसको तो रहने देते हैं यार ये चीज़ मेरे को बता नहीं चलेगी तुम्हें ये चीज़ देख रहे हो ये चीज़ मैं बताई नहीं तुम्हें. ठीक है रजिस्टर करना है तो यार तुम SIH की कोई भी साइट पे चले जाना मतलब SIH.government.in पे जाना चलता ही हूँ. ये है हमारी साइट है ना ये देखो यहाँ लिखा ना रजिस्टर नाउ तो रजिस्टर नाउ करना और आखिरी डेट रजिस्ट्रेशन की 31/3/2022 यानी मार्च में 31 मार्च है ना तो अभी तो फरवरी चल रहा है तो कर लेना बहुत ही थोड़ा तैयार रहने इसके लिए. आते हैं आगे जैसे टॉपिक पे चलेगा. ठीक है यहाँ GitHub पे डाला मैंने और github.com टॉपिक आ गया हमारा SIH का. तो जैसे इसने 2018 में बनाया ठीक है इसने भी 2018 में बनाया है 19 वाला देखते हैं. ठीक है ज़्यादा सही रहेगा 5 स्टार मिले हैं स्टार भी देख लेते हैं जैसे इसको 20 स्टार मिले हैं 22 स्टार मिले हैं. बेस्ट मैच ठीक है मोस्ट स्टार्स तो 22 स्टार था मोस्ट. और क्या करा है देखो ये विनर्स थे ठीक है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के. अब यहाँ पे देखो इनका सॉल्यूशन समझना ये चीज़ मेन है यहाँ पे हमेशा याद रखना. जैसे 2018 भले ही है ये मगर अभी भी या दो लोग वॉचिंग कर रहे हैं देखो और कोई बंदा भी समझ रहा होगा. ठीक है तो ये है देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनकी ये थी. सबमिशन तो क्लोज हो गया वो तो ठीक है. तो यार प्रॉब्लम थी इनकी यार रियल टाइम रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और एनिमल मूवमेंट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है थीम था डार्क फॉरेस्ट और KPIT लिखा है यहाँ पे मिनिस्ट्री लिखे टीम के मेंबर्स दिख रहे हैं टीम का लीडर और ये सारे बंदे टीम के मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं. ठीक है 6 बंदे मेंबर्स हैं आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज के गुवाहाटी में. लक्ष्य ज्योति ये मैम का नाम है टीचर का नाम है. ठीक है एब्स्ट्रैक्ट ये था हमारा
ये मोबाइल ऐप बनेगी, यहाँ पे यहाँ विजुअलाइजेशन होगा वेब ऐप में और मोबाइल ऐप पे जाएगा और डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है। कोर ब्रेन है, डीप लर्निंग से इन्होंने करा था। डेटा कहाँ से निकाल रहे हैं? फील्ड स्टडी रिपोर्ट, मैनुअल डेटा या ड्रोन सेंसर, ठीक है, इन सब से ये डेटा निकलवा रहे हैं। और भी प्रोवाइड एन अफोर्डेबल स्केलेबल एंड स्टेट ऑफ द आर्ट एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर ट्रैकिंग कोचिंग है, मतलब कि कोई हंटर वगैरह एनिमल लॉस ना करवा दे, इंडेंजर्ड एनिमल को ना मार दे, तो इसका डेटा चेक कर रहे थे। द वो आइडिया कंप्राइज ऑफ थ्री पार्ट, एंड्रॉइड वेब इंटेलिजेंस, दैट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मैंने आपको बता भी रखा है क्या इससे पिछली वीडियो में। द आइडिया ऑफ द सॉल्यूशन दैट इट विल हैव अ लाइट वेट एंड्रॉइड ऐप विद थीम इन लो कॉस्ट हैंडल डिवाइस एंड दे विल बी एबल टू मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर कर पाएंगे। एंड्रॉइड यू आई ऐप भी बना रखी है, सारी चक्कर है। और डीप लर्निंग का यूज हो रखा है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑडियो क्लासिफिकेशन, इमेज प्रोसेसिंग और प्रेडिक्टिव एनालिसिस, इन सारी चीज़ों का यूज हो रखा है। छह बंदे थे, ठीक है, टीम में, तो डेफिनेटली कोई बड़ी टेक्नोलॉजी लगनी चाहिए। और डीप लर्निंग सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑडियो क्लासिफिकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और ये सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे हो रहा था, योलो नाम है इनका, अच्छा ये रियल टाइम और वीडियो फीड ये सब मिल रहा था। योलो टू ट्रेंड ऑन कोको, या फिर कोको का डेटा सेट है, यूज टू यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डार्क फ्लो विच इज अ टेंसर फ्लो वेरियंट ऑफ डार्कनेस वॉज यूज टू प्रोसेस द फ्रेम्स वगैरह, ठीक है। रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहा है, यू ओनली लुक वंस इज अ स्टेटस ऑफ द आर्ट, ठीक है। तो ये देखो इस तरह के हमारे आउटपुट आ रहे थे, ये बोट लग रही है, ये एलिफेंट है, ये जिराफ है, ये सारी, ठीक है। यहाँ से देखो कितनी लोकेशन दिख रही थी कि बोट है यहाँ पे, पर्सन है, एलिफेंट है, बर्ड है, बर्ड है, तो देख रहे हो ये इनका प्रेजेंट करने का तरीका, देख रहे हो इन्होंने कैसे फोटो समझाई है। मैं तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम आराम से बैठ के देखना कि तुम्हारी प्रॉब्लम सेट में तुम कितने गुल खिला सकते हो, ठीक है, कितना तुम डेटा को यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो नो नो दैट द डीप लर्निंग मेनली डिपेंडेंट ऑन डेटा ड्यू टू लैक ऑफ एनिमल कैटेगरी इन सीओ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटेक्शन वॉज नॉट अचीव। देखो इन्होंने साफ बता दिया, अब ये इसमें भी डाल सकते हैं कि क्या ड्रॉबैक रहा, क्या चीज़ें नहीं हो पाई। और इमेज नेट जो हैज़ एनिमल कैटेगरी वी डिफ्रेंशिएटेड विद कोको, तो ये पर्सन है, थर्मल और नाइट विजन ये, ठीक है। तो सेवरल फ्रेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन क्लासिफिकेशन विल बी पोर्ट्रेटेड, ठीक है ना मस्त काम। तो ये हमारा हिरन जैसा कुछ बारह सिंगा कहते हैं इसको, और ये पर्सन है जो कि लोग आ रखे हैं रात में, रात का भी सीन दिख रहा है, हाथी को पहचान लिया, शेर को, टाइगर को, बियर को, ठीक है, सब कुछ पहचान लिया। और एज वी कैन सी करेक्ट बाउंडेशन वगैरह और सब कुछ दिखाया, सेकंड आउटपुट ऑफ मतलब क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। ऑडियो क्लासिफिकेशन भी होने की कोशिश करी, ये बर्ड साउंड से मैच करवाया। और इमेज प्रोसेसिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, देन प्रेडिक्टिव एनालिसिस लगा, कंक्लूजन ये रही इनकी टीम जो कि जीत गई। दस वी प्रोवाइड अ लो कॉस्ट एट ऑफ आर्ट सॉल्यूशन विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देख रहे हो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ाई थी, वो ईमेल का, ठीक है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल लगा के, है ना, उसके बारे में बताया था मैंने। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये ले सकते थे क्या, उसमें इतना वो पाता, इतना स्कोप नजर आता, क्या ये जीत सकते हैं? तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि ये तो बल्क मैसेज भेजने वाला काम जो है सरकार कर भी रही है, और मतलब तुम करोगे तो ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, मगर इन लोगों ने जो काम करा, इन्होंने इंडेंजर्ड जानवर, ये जानवर्स को प्रोटेक्ट करने का, तो थोड़ा ये इमोशनल कैटेगरी में चला जाता है, ये थोड़ा एनिमल कैटेगरी में चला जाता है और सोशल कॉज कैटेगरी में आ जाता है। और ऐसे में फॉरेस्ट मिनिस्टर वगैरह लोग जो हैं वो तो खुश हो जाएंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम चला और फाइनली ये जीत गए 2018 में। ये सारा डेटा इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है, तुम आराम से देखना। टेक्नोलॉजीज जो है इमेज वगैरह ये है, और शायद इन्होंने टेक्नोलॉजी डाली नहीं होगी, ये तो इमेजेस हैं, ठीक है। सीएसवी है, डेटा दे रखा है कि थोड़ा बहुत इन्होंने जो करा है, कैसे करा, क्यों करा, ये सब तो नहीं लिखा है, मगर तुम देख सकते हो, तुम्हें ढूंढने के अलग अलग नजरिए मिल जाएंगे, ठीक है, क्या पता इसमें हो, मैं तो ध्यान से ध्यान ना। तो ये तो था एक जो कि एस आई एच 2018 में जीते थे लोग, ठीक है। देन आता है यार, ऐसे करके तुम पता लगा लोगे ना कि ऐसा ये टॉपिक से देख लेना कि जो जीता था, ठीक है। अब इन्होंने भी अपना डिटेक्शन और फुलफिलिंग एवरीथिंग जॉब सीकर्स को हेल्प करने के लिए करा, ठीक है, जेंगो फ्रेम लगा दिया, ये भी देखो अच्छा है, 20 स्टार्स मिले, यानी लोगों ने देखे, तारीफ करी है। यहाँ देखो इन्होंने सब कुछ डाल रखा है, ठीक है, बहुत से लोग मिल जाएंगे जो डालेंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे जो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो डालने वालों से तुम सीख सकते हो, नहीं डालने वालों से भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। प्रोटोटाइप देखने के लिए यहाँ जाएं, तो नेटलीफाई पे डाल रखा है इन्होंने, अच्छी बात है यार, अवसर डॉट नेटलीफाई, देखो कितना अच्छा इंटरफेस है, कितना सही नाम चुना इन्होंने, अवसर में मतलब चांस हिंदी में ना, नेशनल वेब पोर्टल फॉर जॉब्स और अलॉन्ग विद आईसीटी मेक इट इजी टू फाइंड टैलेंट, और एकदम सरकारी लुक दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर जॉब डालेंगे। अरे भाई क्या मस्त कर दिया काम, ठीक है, तुमने देखा होगा ऐसी साइट्स तो हैं अब, ठीक है। अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल, डेली डालते हैं, चल भी रहा है, ये डेमो डेटा सेट होगा, जॉब फॉर वुमेन, हद यार, जॉब फॉर वुमेन ही रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे, सी ऑल जॉब्स, नाइस, क्या जो भी करा है, ये डेमो है जो है, देखो उधर हमें कर दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता डेमो होगा, अंदर भी होगा सामान, मेहनत तो सारी उसी चीज़ की है। तो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, ठीक है, तुम देख सकते हो, तुम चीज़ों को समझ सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो कि ऐसा ये 2020 का है, ये प्रॉब्लम सेट ये थी कि नेशनल वेब पोर्टल यूज़ फॉर डिजाइनिंग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, ये बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी यार, इसके लिए अब क्या कर सकते हैं ना, बाहर से आ रही है नॉइस और
मैं तो तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई भी दे रहा होगा, वर्कफ्लो दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है, क्या लगा, किसने पर्पस क्या था, ठीक है, कैसे इसको सेटअप करना है, फिर उनका गिटहब यूज़र नेम, ये सारे बंदे थे जिन्होंने काम करा, ठीक है, तो 6 जने हैं, तुम भी कर सकते हो 6 जने मिलके, और मेंटर्स ये टीचर्स हैं आई गेस, या कोई सीनियर वगैरह होगा, ठीक है, तो ये था इनका 2020 का जेंगोरेस फ्रेमवर्क, ठीक है, ऐसे करके तुम्हें चीज़ें ढूंढ निकालनी है, और ये तो जस्ट 2 एग्जांपल थे, दोनों को मैं लिंक किया, तुम्हें पता चल गया होगा ना, वीडियो देख रहे हो तो तुम समझ गए होगे किस तरह से चीज़ों को ढूंढना है, नहीं पता चल रहा तो एक बार रिकैप कर लेना, देख लेना दोबारा से, या फिर जो चीज़ मिस कर दी है, ठीक है। अगर मैं विनर कुछ लोग ना ब्लॉग बनाते हैं अवर जर्नी, हाँ यही चीज़ है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये चीज़ वो पढ़ लिया करो तुम, ठीक है, जो लोग विनर्स लोग होते हैं उनको क्या डिफिकल्टी आई, जैसे मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा 2019 में इन्होंने बताया कि अवर ऐसा ये जर्नी कैसे रही, ठीक है, एज अ विनर, और वाइल मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूरियोसिटी किल द कैट, दिस टाइम इज बॉट द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक बात, ये तो यार इनके एक्सपीरियंसेस जो है वो अलग ही लेवल के होते हैं, ठीक है। मोहित शर्मा की 6 बंदों की ग्रुप था, और सेट डाउन विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वी फाउंड वन विच सूट अवर बेस्ट एंड दस क्रेजी डेवलपर्स वर बॉर्न, वी केम अप विद द सॉल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम, फॉर क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट स्टार्टअप कॉर्पोरेट, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन बाय, सारी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, क्या दिक्कत हुई, क्या चीज़ें हुई, ठीक है, ये इनकी टीम है, देखो क्रेजी डेवलपर्स इनका नाम था, और ये सारा काम इनका चला, वी वर स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप सॉल्यूशन, इस बार शायद कहाँ का, देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कब दिखेगा तुम्हें, जब तुम कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओगे, ये मतलब कॉलेज से तुम्हारी टीम जारी होगी, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कुछ बातचीत वगैरह करनी पड़ती है टीचर को, क्योंकि टीचर हमारे मेंटर वगैरह होते हैं, जैसे हम मेंटर भी दिख रहे होंगे, मेंटर खाली था इनका, कोई नहीं, अकेले ही गए, उस दम पे भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, कहानी लिख रखी है, और आई वॉन्ट कि तुम इस चीज़ों को पढ़ना, ये अकेला आदमी नहीं है, और भी लोग हैं, ठीक है, सब कुछ शेयर कर रहा है, वी विजिट IIT कानपुर विद फ्रेंड्स फ्रॉम इंदौर, एंजॉयड अ लॉट मोमेंट, ठीक है, हमारे कॉलेज से भी जाते हैं लोग, और तुम आपस में टीचर से भी बातचीत करोगे ना, तो दे विल हेल्प यू, वट वी लर्न फ्रॉम दिस जर्नी, नो मैटर इन विच कॉलेज यू आर, और वाइल इकोसिस्टम, देखो ये सारी सेइंग जो होती है ना, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे लगता है यार लोग ऐसे नहीं बता पाते, मतलब ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, मेरे को पता है कंफ्यूजन पे नहीं जाना चाहिए था डायरेक्ट, और तुम जाहिर सी बात है इनको कमेंट, तुम इनको बातचीत कर सकते हो, ट्विटर का लिंक भी दे रखा है, हर कोई जो है आजकल आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो यू कैन टेक हिज हेल्प, और इन्होंने क्या करा, कैसे करा, ठीक है, इस बार हम भी सोच रहे हैं कि SIH में जाएं और करें अपने कॉलेज से, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता ना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी टीम के 6 बंदे हैं, तुम्हारी टीम में 6 मेंबर्स होंगे, तुमको नहीं आता, तुम ऐसे दोस्त को रखो जिसको बहुत कुछ आता है, ये किसी से ऐसी बात कर लो, या तुम कुछ ऐसे सीख लो ना, एक चीज़ तुम्हें अच्छी आती है, जैसे हमारे कॉलेज में भी एक बच्चा है, उसको मतलब मोस्टली जो है बहुत कम आता है, मगर उसके पास कनेक्शन है, नेटवर्क है उसके पास, वो काम निकलवा लेता है कहीं से, तो ऐसे लोग बन जाओ तुम, ये कोई ना कोई चीज़ तुम्हारी अच्छी होगी, ठीक है, वेदर इट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, या फिर तुम UI बना रहे हो, तुम फिग्मा में कर रहे हो कुछ, या तुम सच में बैकएंड संभाल रहे हो, या जो भी डेटा सर्च कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करो, तो ऐसे ही तुम्हें एक जर्नी दिखा दी मैंने, और बहुत 2 प्रोजेक्ट भी दिखा दिए तुम्हें, और क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा डिटेल जो है तुम खुद भी देख सकते हो, नाउ मैंने तुम्हें इतना कैपेबल बना दिया है, दिस वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो अब रजिस्टर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, रजिस्टर करना, चलते हैं हम, ये सारे लिंक में, अरे यार ये डिलीट नहीं हटा, चलो बच गए, मैंने सोचा हटा दिया मैंने, ये सारे लिंक में दे दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, और तुम रजिस्टर ना हो करना, ठीक है, जितना जल्दी रजिस्टर करोगे, कॉलेज के बच्चे हो डेफिनेटली, स्कूल का क्या सीन है मेरे को नहीं पता, ठीक है, कॉलेज के डेटा भर देना, और जितने बच्चे मैक्सिमम 200 कॉलेज फैकल्टी लास्ट नेम पोस्ट नेम, ठीक है, देख लेना, ठीक है, भर देना इस फॉर्म को, और बस आज के लिए इतना ही रहेगा मेरी तरफ से, और होप तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो, थोड़ा बहुत अच्छी लगी हो वीडियो, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और अपने दोस्तों को दिखा देना जो, या तुम्हारे कॉलेज में अगर तुम्हें पता है इसके बारे में, या तुम चाहते हो कि लोग जाने यूजिंग दिस, और मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो फिर फर्स्ट ईयर के कॉलेज के बच्चों को दिखा देना, अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, और आई कांट, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत वेट करा, ठीक है, अंदर गए बाहर गए, ऐसी लोकेशन चुनी है जहाँ पे कम आवाज़ है, अभी बहुत तेज़ आवाज़ है, फिर भी मैं तेज़ बोलने की कोशिश की है, तो होप इट वर्थ इट, और आज जो हमने देखा वो तुम डेफिनेटली उस पर काम करोगे, और टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके इंडिया को बेटर बनाओगे, ठीक है, इनोवेशन लाओगे, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कल मत कर विश लीव मी अलोन कलश बना मैंने ग्रीस देखो तेरे एरिया में करा मैंने चीज ए मेरी बात हो रही फिर मैं बस नहीं करता मैं देखता नहीं।